हेलो दोस्तों आवाज़ आ रही है एक बार जल्दी से कंफर्म कर दें कि आप सब मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं जल्दी से कंफर्म कर दें कि आप सब हमारी आवाज़ ठीक तरीके से सुन पा रहे हैं जल्दी से जल्दी कंफर्म कर दीजिए एक बार <coughs> गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी लोगों को गुड इवनिंग धन्यवाद जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी विद्यार्थियों का जल्दी से पहले सबसे पहले बताएंगे कि आप सब हमारी आवाज़ ठीक तरीके से सुन पा रहे हैं कि नहीं और अगर सुन पा रहे हैं तो यस लिख दीजिए फटाफट अगर सुन पा रहे हैं तो यस लिख देंगे जल्दी से सभी लोग और हम बगैर देर किए हुए सेशन की शुरुआत करेंगे ओके okay. वीडियो क्लियर है गुड इवनिंग ठीक है अभी हम इसकी आ, आप आप लोगों ने लास्ट टाइम बहुत सारी चीजें पढ़ी थी बहुत सारी चीजें देखी थी अब कुछ दिन पहले यानी कि कल जो है हम लोगों ने रात में लंबी एक मैराथन सेशन भी लिया था उस मैराथन सेशन में आप में से बहुत सारे लोग शामिल थे ठीक है तो वो सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए भाई आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो टॉपिक क्या है बता सकता है कोई किस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जल्दी से बताइए क्लियर है बहुत अच्छी बात है यश जी पेन या नहीं है तो ठीक है ठीक है आवाज आ रही है अंकित जीरोजी अविनाश ओके शेखर फिरोज खान ममता कुमारी बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं प्यारे प्यारे स्टूडेंट सारे जुड़ चुके हैं चलिए तो आज जल्दी से बताइए कि क्या पढ़ने वाले हैं टॉपिक क्या है आज का क्या टॉपिक रहने वाला है अफगान युद्ध बिल्कुल सही बात है आंग्ल अफगान संबंधों के बारे में पढ़ेंगे आंग्ल अफगान संबंधों के बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे तो आंग्ल अफगान संबंध का मतलब यहाँ पर क्या है आंग्ल अफ अफगान संबंध के बारे में हम लोग किस तरीके से चीजों को समझ रहे होंगे उसको जरा देखने का प्रयास किया जाए आंग्ल अफगान संबंधों को समझने का प्रयास करेंगे कि यह क्या है ठीक है अफगान का मतलब यहां पर अफगानिस्तान से है और आपको मालूम है कि अफगानिस्तान भारत के पश्चिम-उत्तर प्रांत में पड़ता है तो पश्चिम-उत्तर प्रांत की तरफ पहले हम चलेंगे फिर चीजों को और समझने का प्रयास करेंगे ठीक है चलिए आप सब लोगों को मालूम है हम इकाई पांच में हैं और ये सारी चीजें हम लोग लगातार पढ़ चुके हैं सबको मालूम है यहां पर ये हेडिंग आज हम चेंज करेंगे आंग्ल वर्मा पिछली बार हमने पढ़ा था आज हम आंग्ल अफगान पढ़ने वाले हैं इसको हम लोग अभी दिखाएंगे और ये मैं आपको बता दूं कि स्टडी आई क्यू फाउंडेशन बैच के लिए अब एडमिशन की आखिरी तिथि तेईस तारीख रह गई है इक्कीस तारीख आज हो चुकी है दो दिन और शेष बचे हुए हैं क्या बात कर रही हैं आरती मौर्य जी कह रही हैं कि मैराथन की क्लास जो है मैंने बहुत ढूंढा और मिला नहीं आरती जी आप हमारे टेलीग्राम पे या तो जुड़ी नहीं होंगी ऐसा कैसे हो सकता है भाई पूरे दुनिया को मालूम था कि मैराथन क्लास होने वाली है दो दिन पहले से मालूम था आप कह रही मिली नहीं हमें क्लास तो अपडेट रही है थोड़ा समय के साथ में हमारे साथ भी अपडेट रहिए पूरा स्टाफ को फीवर नहीं है मतलब दो तीन मतलब क्या है आ, ऐसा है कि फीवर है दो तीन लोगों को है हाँ या ना दोनों का स्वाब मिला जुला ही आपको यहाँ पर मिलने वाला है तो आपको मालूम है ललिता मैम जो है वो थोड़ा सा बीमार पड़ गई हैं अतुल सर भी थोड़ा बीमार पड़ गए हैं स्वास्थ्य जो है वो अः अमृतसर का भी थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है और आपको मालूम है कि दिलीप सर के साथ में आ, आ, उनके साथ में तो बहुत ही दुखद घटना घटित हुई है तो ये सारी चीजें मिला करके थोड़ा सा आ, कह सकते हैं कि थोड़ा आ, मतलब खराब सा समय एक दो दिन यहाँ पर चल रहा है उसके भरपूर भरपाई करने का प्रयास हम करेंगे आपके समक्ष और सारी वीडियोस भी आपको लगातार तेजी से मिलेंगे और आशा करेंगे कि आप बहुत ही मेच्योरिटी लेवल दिखाते हुए इन चीज़ों को आत्मसात करने का प्रयास करेंगे क्योंकि कुछ समस्याएं कभी कभी आ ही जाती हैं ये तो प्राकृतिक हैं इसके लिए किसी का कोई जोर नहीं है आप सब स्टूडेंट समझदार हैं बढ़िया से पढ़ सकते हैं ठीक है चलिए दिलीप सर बहुत जल्द आएंगे बेटे बहुत जल्द आएंगे दिलीप सर भी तो ये इसमें एडमिशन ले लीजिए दो दिन लास्ट बचा हुआ है ये कोड लगाना है आपको जो कि वीरद लाइव है इसके बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं इस मैप पे हमने खूब चर्चा करी है और अब इस मैप को छोड़ करके ये मैप जो है ये बर्मा के साथ में मैंने आपको दिखाया था और ये बर्मा के युद्ध के बारे में कुछ चीजें थी जो मैंने आपको यहाँ पर बताई हुई थी आज हम इसी के आगे बढ़ेंगे इसी स्लाइड के और आगे जाने का प्रयास करेंगे जिसमें हम आंग्ल आंग्ल अफगान युद्ध आंग्ल अफगान युद्ध के बारे में पढ़ रहे होंगे अब तो पहले तो हम लोगों को दो आंग्ल अफगान युद्ध पढ़ने हैं प्रयास करेंगे कि दोनों हो जाएं। पहला ये है कि आ, यूरोप के जो लोग यूरोप में ब्रिटिशर्स जो हैं, वो अफगानिस्तान से कुछ संबंध रखना चाहते हैं यह सामरिक संबंध है सामरिक नीति के कारण है ऐसा है कि ब्रिटेन और रूस जो है उनके संबंध जो है वो ठीक नहीं चल रहे थे ये उन समयों की बात है जब रूस के संबंध है और मैंने आपको बालकन रीजन और टर्की रीजन अभी आपको दिखाया उन जगहों के साथ व्यापारिक संबंध रशिया करना चाहता था लेकिन उस मार्ग में अंग्रेजों की तरफ से बहुत ज्यादा बाधाएं डाली जा रही थी बहुत ज्यादा बाधाएं डाली जा रही थी बार बार बाधाएं डाली जा रही थी ठीक है ठीक है, तो बहुत ज्यादा बाधाएं जब डाली जा रही थी तो भाई रशिया क्या करता रशिया ने सोचा कि अगर हमें बालकन रीजन में दिक्कत आ रही है तो हमें टर्की रीजन में दिक्कत आ रही है तो हमें कोई नया क्षेत्र सोचना पड़ेगा उधर से अपना कुछ व्यापार निकालना पड़ेगा इसीलिए रशिया ने फारस और अफगानिस्तान की ओर अपना दबाव बढ़ा दिया ठीक है किसकी तरफ फारस और अफगानिस्तान की तरफ अपना रुख जब रशिया की तरफ इसने मोड़ा इस रशिया क्या नाम है अफगानिस्तान की जब अपना रुख जब रशिया ने मोड़ा तब जाकर के ब्रिटेन को एक बात विशेष तौर से समझ में आई कि हमें जब अपना साम्राज्य बढ़ाना है तो भारत के सीमावर्ती राज्यों से संबंध रखने होंगे अब वो संबंध चाहे आ, किसी संधि के माध्यम से हो जाए या फिर हमें युद्ध लड़कर के उनसे अपनी चीजें मनवानी पड़े कुछ भी करना पड़े पर करना पड़ेगा ब्रिटेन को अपने भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा की अब चिंता होने लगी भारतीय साम्राज्य मतलब ये जो भारत का हिस्सा था उसकी बड़ी चिंता होने लगी भारतीय साम्राज्य का मतलब उसमें ब्रिटिश भारत है वो ऐसे समझ लो आप ठीक है और एक संवैधानिक सीमा जो है या एक वैज्ञानिक सीमा जो है उनको आवश्यक हो गई अफगानिस्तान के साथ संबंध स्थापित करना है उन्हें अब उसके लिए चाहे युद्ध करना पड़े या कुछ भी करना पड़े ये उनके समझ में आ गया है और कुछ ब्रिटिशर्स ने यह अंदाजा लगा लिया था कि रशिया ईरान और अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए भारत के ऊपर आक्रमण कर सकता है किसके ऊपर आक्रमण कर सकता है भारत के ऊपर आक्रमण कर सकता है तो अगर हम आंग्ल अफगान युद्ध आंग्ल अफगान संबंधों की बात करें तो आंग्ल अफगान संबंध के समय आंग्ल अफगान संबंध के समय में जो रशिया के साथ में जो उसका रिलेशन बन रहा है रशिया के साथ में जो संबंध बन रहा है उसके अगर कुछ कारण देखें अगर हम कुछ कारणों की चिंता करें तो हमें क्या समझ में आता है अंग्रेज अंग्रेज का मतलब वही ब्रिटिशर्स और अब जब हम अंग्रेज की बात कर रहे हैं तो यूरोप में स्थित जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी बात हो रही है ब्रिटेन की बात हो रही है अंग्रेज की बताए अगर हम यहां पे ब्रिटेन लिख दें तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा इसकी जगह पे मैं एक शब्द लिख दे रहा हूं ब्रिटेन आप लोग यहां से लिखना शुरू कीजिए ब्रिटेन जो ब्रिटेन है ब्रिटेन ने रशिया के साथ में बालकन प्रदेश और टर्की के जो है संबंध बिगाड़ने शुरू किए तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि ब्रिटेन रूस के रूस के बालकन देशों के साथ एवं तुर्की के साथ बालकन देशों के साथ एवं तुर्की के साथ उसकी प्रगति उसकी प्रगति में बाधक बना बाधक बना अब ये छोटी सी लाइन आपको ये क्लियर करेगी कि एनी हाउ ब्रिटेन जो है वो रशिया को इन रीजन में आगे पनपने नहीं देना चाहता था ये एक कारण है और इस कारण का एक और कारण है मतलब इसका एक आ, उप कारण भी है है और वो उप कारण ये इसीलिए इसीलिए रूस ने इसीलिए रूस ने पारस 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 को अब हम लोग किस नाम से जानते हैं ईरान के रूप में है ना ईरान पारस और अफगानिस्तान अफगानिस्तान की ओर रुख किया रुख किया अब इसने अपना रुख चेक किसकी तरफ कर लिया अफगानिस्तान की ओर किया आज ये लोग यहां पर हाजिर क्यों नहीं है अच्छा कुछ लोग तो वहां पर वाली क्लास पढ़ने चले गए होंगे क्या नाम है ठीक है तो ये दो पॉइंट हैं ये प्रमुख कारण है जिसकी वजह से यहां पर दिक्कत खड़ी होने वाली है और अब इसका परिणाम क्या हुआ परिणाम क्या हुआ परिणाम ये हुआ कि ब्रिटेन को या ब्रिटिश भारत को भारत के अंदर जो ब्रिटिश मतलब साम्राज्य है ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य आप लिख सकते हैं इसलिए ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य को इसलिए ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य को इसका परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य को अफगानिस्तान या इसको आप ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा ये नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लिखा रहा हूं वरना बोल के आगे भी बढ़ सकता था बहुत सारे स्टूडेंट का ये कहना था कि सर नोट्स कैसे बनाएं इसीलिए मैंने पीपीटी पे आपको लिख करके बता करके मतलब खुद लिख करके देखने का तरीका आपको बताया अभी आप भी भी अगर किसी के मन में ये हो हो रहा हो कि सर नोट्स कैसे बनाएं तो भाई इससे ज़्यादा मैं आपको क्या ही बता सकता हूँ ये नोट्स ही हैं इसी तरह आप भी अपनी हैंड राइटिंग्स लिखिए और एक बात से मैं बहुत खुश हूँ मैं आप लोगों को बता दूँ पहले मैंने जो अभी मैराथन सेशन लिया था आश्चर्यचकित हूं मैं इस चीज़ को देख करके कि जो मैंने मैराथन सेशन लिया था पांच घंटे का मैराथन हुआ था दस बजे से लेकर के सुबह तकरीबन साढ़े तीन चार बजे तक हुआ मेरा मैराथन खत्म हुआ और खत्म होने के तकरीबन पंद्रह मिनट के अंदर कई सारे स्टूडेंट्स ने अपने हैंड रिटेन नोट्स मेरे को भेजे कुछ ने मेल पे भेजा कुछ ने टेलीग्राम पे भेजा मैंने सबका देखा मैंने सबका मैं सबको सब रिप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि इतने सारे आए बहुत सारे लोगों के मेल मेल पे बहुत सारे लोगों के आए चार छः लोगों के टेलीग्राम पे भी आए लेकिन बहुत सारे लोग मेल पे आ गए अब भाई इतने गजब बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बनाए बहुत अच्छे नोट्स आप लोगों ने बनाए कुछ लोगों ने तो शानदार तरीके के नोट्स बनाए जैसा हमने लिखा था वैसे ही नोट्स उन्होंने एकदम एक दो लोगों ने तो मेरी बताई हुई चीज़ों को ग्राफ के तौर पर लिख दिया पूरा मतलब एक जैसे वो बनता है ना एक के बाद एक लिंक करते हुए बहुत शानदार तरीके से बहुत बढ़िया आप ऐसी तरह से नोट्स बनाते जाइए जिन लोगों ने बनाया है बाकी लोग उन नोट्स को देख करके प्रेरित हो सकते हैं अच्छे अच्छे नोट्स वहां पर पड़े हुए हैं मैं कुछ पे रिप्लाई कर दूंगा कि हाँ ये नोट्स अच्छे हैं तो आप उनको देख करके अपने नोट्स बना सकते हो तो ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य को यहां पर क्या करना पड़ा पश्चिमोत्तर भारतीय सीमा पश्चिमोत्तर भारतीय सीमा जो पश्चिमोत्तर भारतीय सीमा है नॉर्थ वेस्ट जो इंडियन जो बाउंड्री है पश्चिमोत्तर भारतीय सीमा जो है पर संबंध बनाना संबंध बनाना आवश्यक हो गया आवश्यक हो गया अब ये संबंध दो तरीके से बन सकते थे या तो प्यार से या लड़ाई से ये तो आपको मालूम ही है अंग्रेजों के पास में दो ही चाल है प्यार से बना सकते थे या मार के बना सकते थे तो जो कि आपने यहां आप पर देख लिया है लिखा है कि आंग्ल अफगान युद्ध इसका मतलब कि प्यार से बात बनी नहीं होगी पहले प्यार से बात बनाने का प्रयास किया गया होगा लेकिन प्यार से बात नहीं बनी बहरहाल यहां तक का पॉइंट मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा अब हम बढ़ते हैं थोड़ा और आगे इस कहानी से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं <coughs> हाँ बना लीजिएगा नोट्स कोई दिक्कत नहीं है और सुनिए अगली बार जितने का वादा करिए उतने व्यूअर्स आने चाहिए ये नहीं चलेगा कि हजार का वादा करके पाँच सौ लोग आते हो देखने के लिए ऐसे नहीं चलेगा फिर मैं भी बोल दूंगा कल मैं आने वाला हूं पढ़ाने मैं आऊंगा नहीं फिर कैसा लगेगा ये अच्छी बात नहीं होगी ठीक है ऐसे नहीं चलेगा पहले से बोल लो कि नहीं सर हम नहीं आ पाएंगे हम नहीं आ पाएंगे इतने सारे स्टूडेंट हैं आप सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूरा चैनल हमारा बीस हजार मतलब ढाई लाख से ऊपर का सब्सक्रिप्शन हो चुका है ढाई लाख लोगों में यार हजार लोग नहीं आते हो तुम लोग जब इंपॉर्टेंट चीज आप बता आपको बताने वाले होते हैं तो फिर क्या फायदा बताइए अगली बार अगली बार थाउजेंड स्टूडेंट आएंगे कि नहीं आएंगे बताओ मैराथन तभी होगा शेष भाग बचा हुआ है भारत के वायसराय में लेकर के आना आने वाला हूं जल्दी भारत के वायसराय का मैराथन लेकर के आने वाला हूं आप लोग बताओ हजार लाइव पहुंचाओगे कि नहीं पहुंचाओगे पता ही नहीं चला बताइए इतना ढोल सब पीटे और अभी पता ही नहीं चला लोगों को कि मैराथन नेक्स्ट मैराथन होगा बताया जाएगा दो तीन दिन पहले से बता देंगे एक हजार लाइफ चाहिए और पूरे अंत तक चाहिए यह नहीं कि शुरुआत में आएंगे और चले जाएंगे ऐसा नहीं चलेगा आधे लोग तो सो गए थे बहरहाल अब देखिए रूस ने रूस ने पहले शुरुआत में तो मित्रता पूर्वक जो है वो संबंध बनाने का प्रयास किया लेकिन उससे काम बना नहीं और जब बना नहीं तो वास्तविक रूप में देखें तो रशिया ने रशिया को ऐसा सॉरी भारत को ऐसा अंदाजा हुआ कि शायद रशिया भारत पर आक्रमण कर देगा ऐसा अंदाजा हुआ संभावित आक्रमण को ध्यान में रखते हुए लिख लीजिए यहां पर रूस के भारत पर संभावित आक्रमण को आक्रमण को ध्यान में रखते हुए रखते हुए अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने दो नीति का पालन किया नीति का पालन किया दो नीतियां अपनाई इसने कौन सी दो नीतियां थी हां टेलीग्राम है मेरा दुबे जीरो वन इसी नाम से हम टेलीग्राम इंस्टाग्राम और फेसबुक सब जगह पर दो नीति का पालन किया आप इन दो नीतियों का नाम लिख लीजिए पहला नाम लिखेंगे आप फर्स्ट नेम लिखेंगे दो नीतियां यहां पर अफगानिस्तान के लिए बहुत फेमस है एक है अग्रगामी नीति एक नीति कौन सी है अग्रगामी नीति एक नीति है जिसका नाम है अग्रगामी नीति और एक दूसरी नीति है जिसका नाम है कुशल अक्रम अकर्मण्यता की नीति कुशल अकर्मण्यता की नीति दो नीतियां हैं अग्रगामी नीति और कुशल अकर्मण्यता की नीति इन दो नीतियों का पालन किया दो हजार लाइक लाइक नहीं लाइव की बात कर रहा हूं लाइव लाइव वाचिंग होनी चाहिए हजार लोगों की ठीक है तो अग्रगामी नीति कुशल अक्रमण्यता की नीति इन दो नीतियों का पालन किया है किसने किया है अंग्रेजों ने किया अब ये क्या होते हैं पहले तो यही समझना पड़ेगा ठीक है इसको बोलते हैं फॉरवर्ड पॉलिसी इसको क्या बोलते हैं फॉरवर्ड पॉलिसी पॉलिसी हालांकि इंग्लिश लिखने की कोई जरूरत नहीं थी यहां पर लेकिन थोड़ा सा ईजी हो जाएगा ठीक है और आ, कुशल अकर्मण्यता की जो नीति है उसको बोलते हैं पॉलिसी ऑफ मास्टरली इन एक्टिविटी ठीक है पॉलिसी ऑफ इन एक्टिविटी ठीक है ये चीज हमको यहां से देखना है ये दो चीजें अग्रगामी नीति और कुशल अकर्मण्यता की नीति इन दो नीतियों का हमको क्या करना है भैया यहां पर पालन करना है अब ये दोनों नीतियां हैं क्या अगर आप इसको समझ जाएंगे ना तो आपको पूरी तरीके से फर्स्ट जो वॉर हुआ है और जो सेकंड वॉर हुआ है दोनों वॉर के रिजल्ट्स जो हैं वो आपको पहले से ही समझ में आने शुरू हो जाएंगे ये है क्या इसको समझने का प्रयास करते हैं पहले ठीक है इसको समझने का पहले प्रयास करते हैं सबसे पहले हम किसको समझेंगे अग्रगामी नीति को सबसे पहले अग्रगामी नीति बहुत आराम से पढ़िए जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है ध्यान से पढ़ना है हाँ अच्छे नोट्स हम टेलीग्राम पे रिप्लाई कर देंगे कि ये ठीक है इनको आप थोड़ा सा देख सकते हो देखिए अग्रगामी नीति क्या थी इसमें इसका समर्थन करने वाले जो लोग थे जो ब्रिटिशर्स थे अंग्रेज जो थे जो इस नीति का समर्थन कर रहे थे उनका यह मानना था कि रशिया निश्चित तौर पर आक्रमण करना चाहता था ठीक है इस नीति के इस नीति के मतलब जो लोग इस पर विश्वास कर रहे थे इस नीति के विश्वास करने वाले विश्वास करने वाले इस नीति के विश्वास करने वाले लोगों को यह विश्वास था यह विश्वास था कि रूस भारत पर रूस भारत पर आक्रमण करेगा आक्रमण करेगा ये बात तय थी मान मतलब उनका ये बिलीव था और इसी वजह से ये जो बिलीवर्स थे ये जो विश्वास करने वाले लोग थे इन्होंने भारत सरकार को बताया भारत सरकार का मतलब यहां पे समझ रहे हैं ना भारत सरकार का मतलब ब्रिटिश भारतीय सरकार थे क्योंकि भारत का तो एक इकलौता कोई राजा था नहीं मुगल्स को लिया जा सकता था लेकिन ये सब इस समय तो सब मुगल्स मुगल सब गए खत्म हो गया काम इनका समझ लीजिए औपचारिक रूप से तो बाद में खत्म होंगे लेकिन कोई मतलब के नहीं रहे तो इस चीज को मानने वाले जो लोग थे उन्होंने भारत सरकार पर अफगानिस्तान के शासक को सहायता दे करके या मित्रता करके या संधि करके उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है अफगानिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको अपने अधिकार में लेने का सजेशन दे दिया उसको कहा कि उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको अपने अधिकार पर लीजिए क्या सजेशन दिया इनका सुझाव क्या हुआ इनका सुझाव क्या हुआ बताइए इनका सुझाव हुआ इनका सुझाव हुआ कि भारत सरकार को भारत सरकार को भारत सरकार को भारत सरकार का मतलब जो उस समय ब्रिटिश भारतीय सरकार है उसकी बात हो रही है मतलब अंग्रेजों के द्वारा पूरे इंडिया को जो उस समय गवर्न किया जा रहा है उसकी यहां पर बात हो रही भारत सरकार का मतलब ये बार बार इसको इसलिए स्पष्ट कर रहा हूं कि आप इसका संबंध किसी भारतीय राजा से ना कर बैठे यहां पर भारतीय राजाओं को इन्वॉल्व करने की बात नहीं हो रही है जो ब्रिटिश भारतीय सरकार है जो गवर्नर जनरल की जो सरकार चल रही है गवर्नर जनरल जो यहां पर है उसके बारे में बात हो रही है तो इनसे कहा गया कि ब्रिटिश भारतीय सरकार को अफगानिस्तान से के साथ अफगानिस्तान के साथ मित्रता या संधि करते हुए संधि करते हुए भारत सरकार को तो अफगानिस्तान के साथ मित्रता या संधि करते हुए क्या करना चाहिए मित्रता या संधि करते हुए अफगानिस्तान की अफगानिस्तान की विदेश नीति विदेश नीति अफगानिस्तान की विदेश नीति पर अधिकार कर लेना चाहिए अधिकार कर लेना चाहिए यह इनका मानना हुआ और ऐसा क्यों होना चाहिए क्यों अफगानिस्तान की विदेश नीति पर इनका अधिकार हो जाना चाहिए इसका क्या कारण है इसका कारण यह था कि इसमें यह कहा गया कि इस नीति का अगर आप पालन करेंगे तो इस नीति से आपको एक चीज ये फायदा मिलेगी कि जब अगर युद्ध हुआ तो अफगानिस्तान आपके कंट्रोल में होगा तो भारत में जो आपका जमा जमाया साम्राज्य है ब्रिटिश साम्राज्य जो भारत में जमा जमाया है उस ब्रिटिश भारतीय साम, साम्राज्य को किसी नुकसान को नहीं उठाना पड़ेगा आर्थिक या फिर जो भी सामरिक जो नुकसान है वो नहीं होंगे जो रूस का जो मतलब आक्रमण अगर होगा तो भारतीय सीमाओं से बाहर जाकर के युद्ध हो भारतीय सीमा के अंदर वो युद्ध नहीं होगा अगर भारत ने भारत रशिया ने भारत पर आक्रमण किया तो आपके पास में अफगानिस्तान होगा आप उस लड़ाई को अफगानिस्तान की तरफ मोड़ सकते हैं यानी भारत से बाहर भारत के परिपेक्ष में होने वाला जो युद्ध है से आप कर सकते हैं, इससे भारतीय साम्राज्य को बचाया जा सकेगा भारतीय सीमाओं की रक्षा की जा सकेगी और ऐसे में अगर हम ठीक ठाक व्यवहार चला तो अफगानिस्तान भी हमारे कब्जे में आ जाएगा इस चीज को ध्यान में रखते हुए चीज को बताने के लिए यहां पर अग्रगामी जो नीति थी उसका पालन करने का आ, के बारे में कहा गया यह थी अग्रगामी नीति जो आपने आप लोगों को यहां पर बताई तो अग्रगामी नीति के बारे में आपको पता चल गया अग्रगामी नीति का मतलब यही हो गया फॉरवर्ड पॉलिसी का मतलब यह हो गया कि आप जो आ, भाई आप सिंपल सी बात को समझो कि जो सीमावर्ती राज्य है ना अग्रगामी का मतलब यही हो गया जो सीमावर्ती राज्य है वहां पर जाकर के आप युद्ध करिए भारत के अंदर उसको इन्वॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है तो इससे हमारा जो भारत का जो साम्राज्य है वो बचा रह जाएगा वो पूरी तरीके से बचा रह जाएगा अब क्योंकि अंग्रेज जो हैं वो इस नीति का पालन करने के लिए जब आगे बढ़े तो मैंने बताया या तो मित्रता करें या संधि करें अल्टीमेटली उनकी निगाह किस पर है उनकी विदेश नीति पर और किसी भी राज्य की जो कि स्वतंत्र है अभी आप उसके ऊपर जीते नहीं है वो स्वतंत्र राष्ट्र था अफगानिस्तान तो जो स्वतंत्र राज्य अफगानिस्तान है अगर आप उसकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर निगाह बनाना चाह रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आप उसके जो राजनीतिक मामले हैं अफगानिस्तान की जो नीति है अफगानिस्तान के जो इंटरनल मैटर्स हैं उसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा तो भारत सरकार को कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की आंतरिक नीतियों में हस्तक्षेप करना पड़ा और जब उसने हस्तक्षेप किया तो इसी हस्तक्षेप का परिणाम जो है वो प्रथम अफगानिस्तान प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के तौर पर हमको देखने को मिला प्रथम और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के तौर पर हमको यही चीज देखने को मिली भाई अंकित जी आप सात दिन बाद मुझे क्यों देख रहे हैं मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है ऐसा ऐसा कैसे आप लोगों के मन में थोड़ा सा ये सब चीजें गलत सलत कैसे जा रही मैं समझ में नहीं आ रहा कौन सात दिन बाद मुझे देख रहा है भाई कैसे हो गया ये बेटे यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो मुझसे पूछ ले जल्दी से बताओ यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई सभी को किसी को कोई डाउट किसी को कोई शंका जल्दी से जल्दी यहां तक किसी को कोई कोई पॉइंट पूछना हो कुछ चीजें ना समझ में आई हो तो पूछ लीजिए फिर हम और आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये दोनों पॉइंट समझने के बाद ही आपको अफगान युद्ध समझ में आएंगे इसीलिए मैं इतना समय इस पर ले रहा हूं जल्दी से बताइए किसी को कोई डाउट है यहां पर बफर कंट्री तो उससे बोलते हैं जो दो बड़े देशों के बीच में है जैसे नेपाल हाँ पूजा सही कहा आपने लेकिन बफर के लिए पूछा था क्या किसी ने हो सकता है मैंने देखा ना हो बफर स्टेट हाँ इसी तरीके से जैसे भूटान है बफर स्टेट है अब उस वक्त गवर्नर जनरल कौन था उसके ऊपर चर्चा करेंगे भाई अभी आपने ऑकलैंड का नाम सुना होगा लॉर्ड ऑकलैंड उस समय गवर्नर जनरल बनकर के आ रहा है जब ये आ, युद्ध होगा लेकिन अभी उसके ऊपर चर्चा करेंगे अभी वो आगे की बात हो गई यहां जो बताया ये समझ में आया कि नहीं आगे की चीज मत पूछिए जो मैंने पढ़ा दिया उसमें से कुछ ना समझ में आया हो तो वो पूछा जाए आगे का तो हम बताएंगे ये दोनों पॉइंट क्या लिखने हैं लास्ट में भाई ये इससे ज्यादा साफ नहीं लिख सकता मैं साफ साफ लिखे हैं थोड़ा सा अपना लास्ट में दोनों पॉइंट में मैंने यही लिखा हुआ है कि इस नीति पर विश्वास करने वाले लोगों को यह मालूम था कि रशिया जो है वो भारत पर आक्रमण करेगा तो जिन लोगों को यह विश्वास था उन्होंने भारत सरकार को सुझाव दिया कि अगर क्योंकि भारत रशिया पर आक्रमण करने ही जा रहा है तो भारत में ही क्यों करवाओ उनसे आक्रमण उनको कहीं दूसरी जगह लड़वाने के लिए ले जाओ ऐसी कुछ नीति का पालन करो इसलिए सीमावर्ती राज्य जो अफगानिस्तान था जो कि उस समय रशिया जो है अफगानिस्तान की तरफ रुख मोड़ भी चुका था क्योंकि रशिया को शुरुआत में बालकन स्टेट्स में घुसने नहीं दिया गया क्योंकि रशिया के तर्की के साथ संबंध बनाने नहीं दिए गए तो वो अफगानिस्तान की तरफ आने की संभावना रख ही रहे थे भारत में लड़ने जब बाहिर रहे हो तो क्यों ना अफगानिस्तान में ही लड़वा दिया जाए ये चीज यहां पर थी और इसी बहाने अफगानिस्तान को सुरक्षा देकर के या कुछ भी देकर के उसको बरगला करके किसी तरह उसके हम विदेश नीति में हम एंटर कर जाए यही है कहानी सिंपल सी बात है ठीक है हमारी राइटिंग नहीं समझ में आ रही धन्यवाद ठीक चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो हमने आपको यहां पर बताया कुशल अकर्मण्यता अक, सॉरी अग्रगामी नीति के बारे में अब दूसरी थी कुशल अग्रमण्यता की नीति अब अगर हम कुशल अकर्मण्यता की नीति की बात करें तो यह क्या थी लिख देता हूं यहां पर कुशल अकर्मण्यता अब ये अकर्मण्यता होती क्या है यह अकर्मण्यता का मतलब क्या होता है अकर्मण्य होना काम कुछ ना करना बैठे रहना उसको बोलते हैं अकर्मण्यता जैसे अगर मैं पढ़ा रहा हूं और आप नोट्स नहीं बना रहे हैं सिर्फ कथा सुन रहे हैं भगवान रामचंद्र जी की तो अकर्मण्यता ही तो है और क्या है ऐसे कथा सुनने से हिस्ट्री थोड़ी याद होगी आपको मेहनत करनी पड़ेगी नोट्स बनाने पड़ेंगे रिवीजन करना पड़ेगा बार बार पढ़ना पड़ेगा जो चीजें ना है उसे खोजना पड़ेगा ये कर्मण्यता है और ये नहीं करेंगे तो ये अकर्मण्यता है ठीक है तो कुशल अब देखिए काम नहीं करना है वो भी कुशल तरीके से स्मार्टली काम ना करना <laughs> इसको बोल सकते हैं स्मार्टली काम ना करना ठीक है स्मार्टली काम ना करने का मतलब यह है यहां पर स्मार्टली काम ना करने का मतलब आ, यहां पर यह है कि ऐसा कुछ करो कि काम ना भी करना पड़े और उसी से ही काम हो जाए काम करना ना पड़े और उसी से ही काम हो क्योंकि काम करोगे तो गलत हो जाएगा इसको किसी और उदाहरण से क्यों समझे सीधा इसी को उदाहरण से समझते हैं कि अफगानिस्तान के मैटर में क्या हुआ अब इसके अनुसार हुआ ये कि अंग्रेज जो हैं वो अमीर को मित्र तो बनाए रखना चाहते थे अमीर मतलब समझते हैं ना वो अफगानिस्तान में जो शेख होते हैं ना उनको अमीर बोला जाता है अमीर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा वो अमीरों के साथ में राजा समझ लो वहां के रिप्रेजेंटेटिव समझ लो तो उनके साथ में अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं मतलब वो चाहते तो हैं कि अमीरों के साथ में अच्छे संबंध बने रहे मित्रता बनी रहे ये सब चीजें वो चाहते हैं लेकिन उनके साथ स्थायी संधि किसी प्रकार की हो इसके लिए वो तैयार नहीं थे और ना ही अफगानिस्तान के किसी इंटरनल मैटर पे तैयार थे वो अब आप कहेंगे सर अभी तो यहां पे आपने बताया कि वो इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करना चाहते थे तो ये तो वो लोग करना चाहते थे ना ये तो उन लोगों का सजेशन था जिनका बिलीव था कि रशिया आक्रमण करेगा निश्चित तौर पर करेगा लेकिन सबको ऐसा विश्वास नहीं था ना कुछ को तो केवल विश्वास था कुछ को तो केवल यह जानकारी थी कि कर सकता है संभावना है जिनको विश्वास था कि आक्रमण करेगा तो उनका कहना था कि अफगानिस्तान को ऐनी हाउ उनके इंटरनल माइंडमेंट में सपोर्ट करो या जो भी करना करो लेकिन उसे अपनी तरफ मिलाओ यहां यहां पर इन्होंने क्या बताया यहां पर <laughs> अमित तुम परेशान ना हो तुमको नहीं बोला मैंने मैं ते... आपने सफाई दी शायद इसलिए कि हो सकता है कि आप भी सुन रहे होंगे और बाद में सर ने कह दिया कि जो लोग सुन रहे हैं वो अकर्मण्य है भाई कुछ लोग ऐसे ही हैं जो केवल सुन लेते हैं सुन के काम चलाया फिर चले गए आगे भाई आपने तो होमवर्क किया ना दोबारा अगर वीडियो देख करके नोट्स बना रहे तो वो वो चलेगा वो कर्मण्यता के अंतर्गत तो वो अकर्मण्यता के अंतर्गत अंतर तो नहीं अंतर है आप परेशान ना तो कुशल अकर्मण्यता की नीति में यही था कि हमें अफगानिस्तान के साथ मित्रता भी बनाए रखनी है लेकिन मित्रता के बदले हमें कुछ करना नहीं है उनके साथ कोई संधि नहीं करनी है ना ही कोई करार करना है ना ही उनके इंटरनल मैटर में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना है तो ऐसे में क्या हुआ ऐसे में ये कुछ ना कुछ ऐसा कर देते थे कि हो सकता है कि इनकी वजह से अफगानिस्तान में आंतरिक विद्रोह हो जाए और फिर उसमें से किसी को दूर से सहायता करने के लिए भेज देते थे डायरेक्टली नहीं पैसा रुपया भेज दिया या कुछ ऐसा कर दिया ये सब चीजें कुशल अकर्मण्यता की नीति के अंतर्गत आईं इन्हीं को हम लोग कुशल अक्रमणता की नीति के अंतर्गत गिनने लगे अब जरा इसके बारे में लिख लीजिए नहीं तो आप ऐसे भूल जाएंगे लिखिए इसके अनुसार इसके अनुसार या इस नीति के अनुसार इस नीति के अनुसार अंग्रेज अफगान अमीर के साथ अफगान अमीर के साथ मित्रता तो रखना चाहते थे तो रखना चाहते थे किंतु उनके साथ उनके साथ कोई संधि या करार वगैरह जो भी है कोई भी प्रकार की जो संधि है या मेल मिलाप है या फिर कोई भी करार वगैरह जो है के लिए तैयार नहीं थे के लिए तैयार नहीं थे दोस्ती भी रखना चाहते हो और संधि भी नहीं करना चाहते हो यही तो कुशल अकर्मण्यता है इसी को तो कुशल अकर्मण्यता कहते हैं यही कुशल अकर्मण्यता है ठीक है और ना ही और ना ही अफगानिस्तान के अफगानिस्तान के किसी मामले में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करना चाहते थे प्रत्यक्ष रूपे हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे हम इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे अब देखिए इस इंडायरेक्टली इन्वॉल्व होने या डायरेक्टली इन्वॉल्व होने के ऊपर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं और अब हम सीधा प्रथम युद्ध की तरफ बढ़ते हैं अब आप हेडिंग डाल दीजिए प्रथम आंग्ल प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध प्रथम आंग्ल अफगान अफगान बहुत सारे लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि सर ये आंग्ल क्या होता है ये आंग्ल का मतलब ब्रिटिश अंग्रेज अंग्रेज और अफगान अफगान का मतलब अफगानिस्तान के लोग तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से लेकर के 1842 तक अठारह से लेकर के अठारह तक थोड़ा बड़ा लिखें देखिए मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूँ कि मैं अपनी राइटिंग में कोई और सुधार नहीं लाना चाहता सिंपल सी बात है अब ले दे करके आप ही के पास ऑप्शन बचा कि आप अपने अंदर कोई सुधार कर लीजिए या तो ठीक से लिखने लगिए या तो फिर थोड़ा पिक्सल सही कर लीजिए अपने क्वालिटी सही कर लीजिए वीडियो की और फुल स्क्रीन वीडियो में देखिए इससे ज़्यादा मैं कोई सुधार नहीं करने वाला चाहे कोई कितना भी कह दे कि सर आपकी राइटिंग बहुत ख़राब है आपका लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है कलर अच्छा नहीं है चेंज कर लीजिए मैं नहीं करने वाला कुछ जो चेंज कर, करना है आप करेंगे आपको हमारे अनुसार ढलना है मुझे अपने अनुसार ढालने का प्रयास ना करिए क्योंकि मुझे यूपीएससी क्लियर नहीं करना है मुझे जो करना था मैंने कर लिया आपको करना है तो आप परिस्थितियों के अनुसार ढलिए सबकी बात कर रहा हूं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं सबकी बात कर रहा हूं सब लोग आपको हमारी तरह ढलना होगा हमारी तरह मतलब आपके सामने जो परिस्थितियां आ रही उन परिस्थितियों से आप स्वयं निपटेंगे ये परिस्थितियों से मैं नहीं निपटने वाला सिंपल सी बात है सौ की सीधी एक बात मैं नहीं सुधरूंगा मैं लिखूंगा ऐसे ही खत्म हो गई बात ठीक है चलिए बुरा मत मानना मतलब मैं थोड़ा एटीट्यूड दिखाने का मन कर रहा था तो दिखा लिया चलिए खैर आगे तो अब ये क्या है कि अफगानिस्तान में जिस समय ये सारे युद्ध शुरू हो रहे हैं उस समय जमन शाह जो है वो अमीर है लेकिन जमन शाह को कुछ समय बाद गद्दी से हटा दिया गया अब यहीं से सारी परिस्थितियां बिगड़ गईं जमन शाह थोड़ा शक्तिशाली था चीजों को ठीक तरीके से मानता था लेकिन जमन शाह के गद्दी से हटने के बाद अहमद शाह अब्दाली का एक पोता था जिसका नाम था शुजा अब ये वाला शाशुजा वो वाला शुजा नहीं है जो मुगल सम्राट था मुगल सम्राट शुजा अलग है ये शुजा अलग है हालांकि शाह शुजा ने शुजा के समय में आक्रमण भी किया था ये हमने तब पढ़ाया था जब मुगलों के बारे में पढ़ रहे थे इसके बारे में इतिहास वहां पर पढ़िएगा ठीक है ठीक है तो जमन शाह को गद्दी से हटाए जाने के बाद में अहमद शाह दाली का जो पोता था ग्रैंड सन जमन शाह के हटाए जाने के बाद अहमद शाह अब्दाली दाली का पोता ध्यान रखना अब ऐसे तो जमन शाह के पहले के इतिहास खोजने शुरू करेंगे तो बहुत लंबा चलेगा हम अफगानिस्तान के इतिहास को नहीं पढ़ रहे हैं आप यहीं से कनेक्ट करिए जमन शाह के गद्दी से हटने के पश्चात गद्दी से हटने के बाद अहमद शाह अब, अब्दाली अहमद शाह अब्दाली का बेटा अहमद शाह अब्दाली का बेटा शाह शुजा ध्यान से समझिएगा ये वो शाहुजा नहीं है जो मुगल बादशाह है यह मुगल बादशाह शाहशुजा नहीं है यह अफगानिस्तान का शाह मुगल शाहशुजा है ठीक है यह चीज ध्यान रहेगी या नहीं पहले तो ये बताओ राइटिंग बहुत शानदार है अच्छा भैया ठाकुर श्याम ये पर्सनल बातें ना करो यार ठीक है शाह सुजा जो है ये गद्दी पर बैठा 1803 में कब बैठा गद्दी पर 1803 में शाह सुजा अफगानिस्तान का शासक बना लेकिन उस समय अफगानिस्तान की जो आंतरिक स्थिति थी वो बहुत ज्यादा बिगड़ गई मतलब इंटरनली आपस में विद्रोह होने लगे ये केवल भारत में नहीं है हर जगह चलते हैं भाई राजा कोई बनता है तो उसके बाद बाकी लोग जो है वो थोड़ा दिक्कत में आ जाते हैं तो अफगानिस्तान में भी एक तरीके की आंतरिक विद्रोह की स्थिति आ गई स्थिति बद से बदतर होती चली गई और इतनी बदतर होती चली गई कि 1809 के आते आप अट्ठारह सो 1809 के आते आते तक 1809 1809 के आते आते तक 1809 के आते आते तक, तक शाहुजा को उसके भाई दोस्त मोहम्मद ने मतलब उसको गद्दी से हटा करके खुद गद्दी पर सिंहासन पर बैठ गया कौन गद्दी पर बैठ गया शाहसुजा को शाह शुजा को गद्दी से हटाकर भाई जो दोस्त मोहम्मद जो था दोस्त मोहम्मद गद्दी पर बैठा गद्दी पर बैठा बात समझ में आ गई कि नहीं यहां तक ठीक है 1809 में शासुजा जो है वो उसके भाई को या अपने भाई को गद्दी पर से हटा करके दोस्त मोहम्मद जो है वो वहां से उसको अपदस्थ कर देता है और स्वयं जो है वो सत्ता या गद्दी पर जो है सिंघासना रूढ़ हो जाता है सिंघासना रूढ़ होने का मतलब सिंहासन पर बैठ जाता है ठीक अब अगर हम दोस्त मोहम्मद की बात करें तो दोस्त मोहम्मद इधर के आसपास के जो लोग थे उस समय के लोगों के बीच में अगर देखा जाए तो दोस्त मोहम्मद जो है वो सबसे योग्य व्यक्ति था लेकिन हुआ यह कि अब हालांकि प्रथम आंग्ल जब युद्ध हुआ तो उस समय तक यही शासक बना रहा दोस्त मोहम्मद युद्ध जब हम लोग देखेंगे तब तक यही बना रहा लेकिन गद्दी से जब इसको हटाया गया शाहुजा को शाहुजा को जब गद्दी से हटाया गया तो शाहुजा ने काबुल यानी कि अफगानिस्तान का राज्य फिर से पाने के लिए महाराजा रणजीत सिंह से सहायता मांगी अब रणजीत सिंह कहां के शासक थे तो मालूम ही होगा है मालूम है कि नहीं मालूम है बताइए रणजीत सिंह सब मालूम है कि नहीं भाई आप इस स्टोरी को बहुत अच्छे से समझिएगा इसको कहानी की तरह समझिए कुछ है थोड़ी इतिहास को लोग जबस्ती हवा बनाए हुए हैं अरे इतिहास कहानियों से भरा पड़ा है भाई और एक चीज डेट के पीछे मत भागिए ये सब डेट्स याद करने की कोई खास जरूरत नहीं है मर्म को समझिए युद्ध क्यों हुए सामरिक महत्व तो क्या थे ब्रिटिशर्स ऐसा क्यों चाहते थे रशिया ने क्यों ऐसा किया बाल्कन रीजन में क्या समस्याएं थी ये इसके मर्म को समझने का प्रयास कीजिए डेट्स के पीछे इतिहास को लेकर के डेट्स के पीछे बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कहीं तुमसे डेट सोर्स नहीं पूछे जा रहा है इतनी ज्यादा कुछ चीजें हैं उसके बारे में बाद में डिस्कशन कर लूंगा मर्म को समझने का प्रयास कीजिए अब देखिए आप खुद ही दोस्त मोहम्मद किसको हटा के गद्दी पर बैठा शाह सुजा से शाह शाहुजा जब गद्दी से हटा दिया गया अपदस्त कर दिया गया तो चुपचाप तो बैठा नहीं होगा क्या की जिंदगी जीना कोई बात नहीं हमारा भाई राजा बना रहे ऐसा तो है नहीं ऐसा ही होता तो इसे अपने भाई को हटाने की जरूरत ही क्या होती है रिक्वेस्ट ही कर लेता कि भाई साहब आप हट जाइए हम बैठना चाहते हैं मान ही जाता वो पर ऐसा तो हुआ नहीं अपदस्थ किया गया भगाया गया तो शाह शाहसुजा कहां गया शाह शाहुजा इस राज्य को वापस पाने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगने गया देखिए शाह शाहुजा शाहुजा अपना खोया हुआ राज्य पाने के लिए खोया हुआ राज्य पाने के लिए शाहसुजा अपना खोया हुआ राज्य पाने के लिए रणजीत सिंह से रणजीत सिंह रणजीत सिंह कहां के राजा है भाई राजा रणजीत सिंह का नाम मैंने आपको बताया थर्टी नाइन अरे अभी मृत्यु ना कराओ रणजीत सिंह की भाई अभी रुक जाओ अठारह सौ नौ में अमृतसर की संधि हुई थी पंजाब के राजा रणजीत सिंह थे बिल्कुल सही बात है ठीक है तो रणजीत सिंह के साथ में इनका क्या हुआ रणजीत सिंह जो है वो यहां पर आ, इनसे सहायता मांगने के लिए गया अब रणजीत सिंह से जब ये सहायता मांगने के लिए गया तो इन्होंने इसने शाहुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया कोहिनूर हीरा कोहिनूर हीरा भेंट किया अब ये कोहिनूर पहुंच गया पंजाब ये कोहिनूर कहां पहुंच गया भाई पंजाब पहुंच गया तो अब आप आपको समझ में आ गया होगा कि कोहिनूर पंजाब कैसे पहुंचा? ठीक है ना तो ये कोहिनूर हीरा जो है वो भेंट किया गया इसके पास में और जब कोहिनूर हीरा इसके पास में भेंट किया गया रणजीत सिंह जी को भेंट किया गया तो अठारह के आसपास ये भेंट किया गया था तो बाद में मतलब रणजीत सिंह से प्रॉपर सहायता इसको मिल नहीं पाई और ब्रिटिशर्स का इंटरफियर हो गया और ब्रिटिशर्स का जब इंटरफियर हो गया इस चीज को मैंने पूरी कहानी बताई वो कहानी दोबारा मैं यहां नहीं बताऊंगा रणजीत सिंह के समय में पंजाब के समय में जब मैंने बताया था तब मैंने आपको एक पूरी कहानी सुनाई थी इसके बारे में डिटेल में सुनना चाहते तो वहां सुनना जाकर के पंजाब और अंग, 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 मतलब अंग्रेजों के द्वारा पंजाब को जब कैप्चर किया गया तो तो जो कहानी सुनाई थी वहां पर मैंने बताया था बहरहाल उसी समय में शाहुजा को लुधियाना का मतलब लुधियाना राज्य दे दिया गया था और अंग्रेजों के संरक्षण में वो रहने लगा था यानी शाहुजा जो थे वो ब्रिटिशर्स के संरक्षण में कहा रहने लगे थे इसी दौरान शाहुजा जो है ब्रिटिश संरक्षण में ब्रिटिश संरक्षण में संरक्षण में लुधियाना में रहने लगे लुधियाना लुधियाना में जो है ये रहने लगा अब उधर दोस्त मोहम्मद जो था दोस्त मोहम्मद की कठिनाई बढ़ गई थी ये तो इधर इनके साथ हुआ शाहसुजा के साथ उधर दोस्त मोहम्मद के साथ थोड़ी कठिनाई बढ़ने लगी थी थोड़ी कठिनाई कैसे बढ़ने लगी थी कठिनाइयों का सामना दोस्त मोहम्मद को इस प्रकार से करना पड़ा कि कांधार की बात कर लीजिए हेरात की बात कर लीजिए तो कांधार और हेरात जो है ये इनके भाइयों को मिला हुआ था और वो भाई भी जो काबुल के ऊपर नजर डाले हुए थे पेशावर जो था ये रणजीत सिंह ने जीत रखा था इसीलिए तो शाहसुजा पेशावर क्योंकि रणजीत सिंह ने जीत रखा था इसीलिए शाहसुजा रणजीत सिंह से मिलने गया था भेंट करने तो पेशावर इसके हाथ में था नहीं इसके अलावा शाह रहे हैं कि काबुल को हम कैसे पाए उधर फारस और रशिया जो मैंने दिखाए थे यानी ईरान और रशिया जो हैं ये दोनों भी आक्रमण के फिराक में हो गए किसके ऊपर अफगानिस्तान के ऊपर तो अफगानिस्तान के ऊपर चारों तरफ से एकदम आफत आ गई जैसे कांधार की तरफ से हेरात की तरफ से पेशावर की तरफ से शाहुजा की तरफ से फारस की तरफ से रशिया की तरफ से और ये जो असमंजस की स्थिति थी इस असमंजस की स्थिति में अब अफगानिस्तान को एक ही दिखाई दे रहा था और वो था भारत और भारत में अफगानिस्तान की इस स्थिति को ठीक करने के लिए इसी सब असमंजस की स्थिति के समय में 1836 में 1836 में लॉर्ड ऑकलैंड को भेजा गया ऑकलैंड को किसको भेजा गया लॉर्ड ऑकलैंड को भेजा गया 1836 में और लॉर्ड ऑकलैंड जो है वो गवर्नर जनरल बनकर के भारत आया ठीक है यहां तक बात सबको समझ में आ गई हां या नहीं रणजीत सिंह सासुजा को काबुल की गद्दी पर बिठाया तीन लोगों में संधि अभी जो तीन लोगों में संधि है थोड़ी अभी आगे आने वाली है रुक जाओ अभी थोड़ी सी बात बहुत आवाज आ रही है कैसी आवाज आ रही है भाई जितना स्टूडेंट हुआ है लाइक मिलेगा सर लाइक तो और बढ़ना चाहिए दुगना होना चाहिए लाइक जितने सबने जी सर जी सर लिख दिया है ठीक है भाई आप बेस्ट हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रशंसनीय शब्दों के लिए ठीक है अब लॉर्ड ऑकलैंड जब आएगा ना जब लॉर्ड ऑकलैंड भारत आएगा तो ये अपना दिमाग लगाएगा मई 1836 के आसपास दोस्त मोहम्मद जो है इसने सिखों से पेशावर लेने के लिए अंग्रेजों से सहायता मांगी क्योंकि पेशावर निकल चुका था इसके हाथ से तो इसने अंग्रेजों से सहायता मांगी 36 में अंग्रेजों ने सहायता देने से मना कर दिया इनकार कर दिया बाद में में सितंबर 36 में ही लॉर्ड ऑकलैंड ने कैप्टन अलेक्जेंडर को एलेक्जेंडर बर्न करके एक इसका दूत था जिसको दूत बना करके अफगानिस्तान भेजा और अफगानिस्तान जब दूत बना करके भेजा तो इस दूत ने समझने का प्रयास किया कि वास्तविक सिचुएशन अफगानिस्तान में क्या है क्या वास्तविक स्थिति अफगानिस्तान में इस समय है इसको देखने का प्रयास किया उसने और इसी समय इसी समय रशिया से भी एक दूत जो है वो अफगानिस्तान आया विटकेविच करके एक अफगानिस्तान रशिया से एक दूत आया तो इधर से रशिया का एक दूत गया है उधर से आ, उधर से रशिया का एक दूत आया है इधर से अंग्रेज का एक दूत गया है और दोनों अफगानिस्तान गए हैं अफगानिस्तान में उस समय दोस्त मोहम्मद शासक है आ, और उसे एक स्थिर स्थायित्वता चाहिए ऐसे में इधर मैंने आपको बताया कि जब ऑकलैंड ने से सहायता दोस्त मोहम्मद ने मांगी तो दोस्त मोहम्मद को यह सहायता मिलने से इनकार हो गया तो यह किसकी तरफ गया ये रशिया का जो दूत आया था विटकेविच जो आया था उसकी तरफ इसका झुकना तय हुआ अब अंग्रेजों को लगा कि यार रशिया कहीं इसकी सहायता ना कर दे और अगर रशिया अफगानिस्तान की सहायता कर देगा तब तो यार रशिया को भारत पे आक्रमण करने में और आसानी हो जाएगी अब यहां पर बड़ा खेल बिगड़ गया इधर से उन्होंने सहायता मांगी उधर से उन्होंने सहायता मांगी और खेल जो है यहां पर बिगड़ गया कुछ समय बाद चीजों की स्थिति को सही करने के लिए कुछ समय बाद क्या हुआ स्थिति को सही करने के लिए कुछ आपसी समझौते हुए एक तीन गुट बना तीन लोगों का एक गुट बना अब ये जो तीन लोगों का गुट बना उस तीन लोगों के गुट से क्या आगे रिजल्ट निकला क्या आगे समझौते हुए ऑकलैंड द्वारा भेजे गए दूत ने क्या गुप्त सूचनाएं दी रशिया द्वारा आए हुए दूत ने क्या विफलताएं पाई या क्या सफलताएं पाई इन दोनों के बीच में किस प्रकार की संधि हुई इन सब के बारे में हम बात करेंगे अगले एपिसोड में आज जो है आपको हम बीच में छोड़ करके जा रहे हैं ठीक है अब आप लोगों का एक होमवर्क है सभी लोग जितने भी बाल्कन कंट्रीज हैं बाल्कन बाल्कन जो देश हैं उनको उनको मैप बना करके उनको लिखने का प्रयास कीजिएगा रशिया की सीमा के साथ रशिया की सीमा के साथ तत्कालीन जो लगने वाले देश थे दक्षिणी पश्चिमी जो देश थे उनको आप मैप में लिखने का प्रयास कीजिएगा और साथ ही साथ रणजीत सिंह को रिवाइज कीजिएगा राजा रणजीत सिंह क्योंकि राजा रणजीत सिंह का यहां पर प्रयोग होने वाला है इसका आप जो है क्या करेंगे इनका रिवीजन करेंगे अगर इन दो कामों को आप करके रखोगे तो कल की जो हम क्लास लेंगे कल की क्लास उसमें हम आपको आगे की बात बताएंगे तो कहने का मतलब है कि इधर से रशिया का दूत, उधर से अंग्रेजों का दूत, अफगानिस्तान में दोस्त मोहम्मद के पास पहुंचा है दोस्त मोहम्मद किसकी तरफ झुकेगा दोस्त मोहम्मद किसकी सहायता लेगा कौन दोस्त मोहम्मद की सहायता करेगा ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में यानी कि कल आज के लिए फिलहाल इतना ही आप रीजन <laughs> यही है कि आप पहले इन स्थितियों को समझिएगा इन चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा ठीक है इनको आप यहां पर सर प्रम से पहले स्पेक्ट्रम खत्म हो जाएगा या नहीं लिख के मैं नहीं दे सकता हूं प्रयास पूरा करूंगा भाई विपिन चंद्रा में ये कौन सा चैप्टर है विपिन चंद्रा में आंग्ल अफगान युद्ध जो है आपको छठवें चैप्टर में शायद दिया हुआ है exactly एग्जैक्टली मुझे याद नहीं चैप्टर है एक बार देख लीजिएगा नई वाली जो है वालकम देश प्रीलिम्स में आ सकता है बिल्कुल आ सकता है मेंस में इसके ऊपर पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार मेंस में इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया था ठीक है चलिए आज इतना ही सभी लोग स्वस्थ रहिएगा मस्त रहिएगा मुलाकात करेंगे देखिए आज इसलिए छोड़ करके जा रहा हूं क्योंकि अगर मैं इसके आगे कंटिन्यू जरा सा भी कर गया तो हमें पूरे कहानी बतानी पड़ जाएगी अफगान युद्ध की और आंग्ल अफगान युद्ध की इसके आगे जो अब कहानी चलने वाली है वो तकरीबन डेढ़ घंटे की चलने वाली है अभी हम डेढ़ घंटे की क्लास आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं क्योंकि दूसरे प्रोग्राम्स लगे हुए हैं तो आपको इसलिए एक रीजन तो ये है छोड़ के जाने का दूसरा रीजन ये है कि आपसे जब कल मुलाकात करेंगे और आप अगर इन दोनों चीजों का रिवीजन करके आए होंगे तो आपको आगे की कहानी बहुत स्पष्ट क्रिस्ट, क्रिस्टल क्लियर समझ में आने वाली है इन दो कारणों की वजह से आज हम यहीं पर ड्रॉप करते हैं मुलाकात करेंगे कल नमस्कार धन्यवाद